तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आशीष लैल और आपका मेरे इस चैनल पर स्वागत है। यहाँ पे आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रेस्टीज का 3 बर्नर वाला चूल्हा, जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से 3500 रुपये का मंगाया है। और इसका ओरिजिनल प्राइस है कंपनी में, जो कि मतलब आप दुकान से ले लें या कहीं भी मार्केट में ले लें, जो कि 6000 रुपये का है और मैंने इसे 3500 रुपये में मंगाया है। तो आइए मैं इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये चूल्हा कैसा है। और दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये है वो प्रेस्टीज का चूल्हा जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है और ये आने में थोड़ा टाइम लग गया था। और ये जो चूल्हा है ये हमें पड़ा है आपको 3499 रुपये में, और इसका जो मार्केट रेट है वो डिब्बे पे लिखा हुआ है 6000 रुपये। और इसकी 1 साल की वारंटी मिली है हमें इस चूल्हे की, और है अच्छा खासा ठीक ठाक। आजकल फ्लिपकार्ट पैकिंग ठीक ठाक नहीं कर रहा है। और ये देखिए ये इस तरीके से आया था, बस ये ऐसे ही था। और ये देखिए चूल्हा ही क्वालिटी अच्छी है, बाकी तो कुछ ऐसा पैकिंग वैकिंग खास नहीं थी इसकी। और देखने में भी ये काफ़ी खूबसूरत है। और ये इसमें इसका वो स्टैंड वगैरह है लगाने के लिए। चूल्हा ये हम रखते हैं मेज पे। और ये देखिए आपका हो गया, देखने में काफ़ी फिनिशिंग है इसमें। ये पत्थर जो इस पर लगा हुआ है ये पत्थर है और इस पर पूरा ट्रांसपेरेंट दिखता है सामने का। ये देखिए इसका वो बर्नर हो गया लगाने के लिए, और इसके स्टैंड भी हैं अभी इस पर लग जाते हैं। और आपका यहाँ पे ये देखिए ऑन ऑफ के बटन है, दबा के धीमे से पहले अंदर को दबाएंगे इसको आप, फिर ये ऑन होगा। प्रेस्टीज की यहाँ पे आपको ये लोगो मिल जाता है जो कि इसका अच्छा ही लग रहा है। और स्विच भी है, अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे स्विच हैं, बस इसमें लाइटर नहीं है कि आपने दबाया और ऑन कर दिया तो लाइटर से दब जाएगा। और दोस्तों इसको अभी हम जला के दिखाएंगे। यहाँ पर ये देखिए ये इसके स्टैंड हैं, जो ये स्टैंड है ठीक ठाक क्वालिटी के हैं, थोड़े पतले हैं बस ये है, ज़्यादा भारी नहीं है। और चूल्हा भी ज़्यादा भारी नहीं है, हल्का ही चूल्हा है और जगह भी ठीक ही ठाक जगह है, 2-3 भगोने आराम से सही सही लग जाएंगे। और बाकी तो इसमें कुछ ऐसा जानने वाला है नहीं, इसके साथ ज़्यादा कुछ फ्री नहीं मिला। बस इसमें यही है कि लाइटर जो है इसमें लाइटर नहीं लगा हुआ है, तो थोड़ी दिक्कत यही है, मगर बस चलो कोई बात नहीं है। ये इसके नीचे लगने वाले स्टैंड है, लग जाएगा तो थोड़ा ऊंचा हो जाता है चूल्हा, मगर ये ज़्यादा ऊँचे नहीं है, ये थोड़ा चूल्हा ज़मीन से ज़्यादा ऊँचा होना चाहिए, मगर ये आपका 2 इंच या 1 इंच ही है, 1-1.5 इंच है ऊँचा होगा। और ज़मीन से नीचे से बड़ी काफ़ी कम स्पेस रहती है इसमें। तो ये इस डिब्बे में रखा हुआ था, बाकी ऐसा तो कुछ खास है नहीं। और अभी हम इस चूल्हे को आपको जला के भी दिखाएंगे कि ये कैसा जलता है। तो बस चलिए आइए हम इसको लेके चलते हैं किचन में, जहाँ पे इसको हम सिलेंडर से कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों इसको हमने सिलेंडर से कनेक्ट कर दिया, अब इसको जला के देखते हैं। और ये हमने ऑन करा और ये जल गया है ये, और चलिए दूसरा जला के देखते हैं। और ये भी जल गया, चलिए तीसरा जलाते हैं, ये भी जल गया। तो दोस्तों ये बड़ा अच्छा है, जल रहा है और सब कुछ इसका मतलब इस चूल्हे में फर्स्ट क्लास है बिल्कुल। देखिए धीमा हो गया, तेज है, काफ़ी तेज है। और ये भी आपका अच्छा से काम कर रहा है, ये वाला भी अच्छे से काम कर रहा है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। और तो दोस्तों ये थी हमारे उस प्रेस्टीज 3 बर्नर चूल्हे की अनबॉक्सिंग। मुझे पता है आपको वीडियो कुछ हद तक तो ज़रूर पसंद आएगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और हमें कमेंट में बताइए अगर आपको किसी भी नए सामान की अनबॉक्सिंग करवानी हो या कुछ भी रिव्यू वगैरह चाहिए तो प्लीज़ हमें बताइए। और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए यार, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि अभी नया चैनल बनाया है, बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, अभी बहुत सारा काम इसमें बाकी है और मैं ऐसे ही नए नए वीडियो बना के डालता रहूँगा। तो प्लीज़ दोस्तों मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। नमस्कार।